सुभाष कश्यप है, मानो एक्सपर्ट थे, मैं उनको 20 साल से सुन रहा हूँ रिटायर होने के बाद। लोकसभा के वो सेक्रेटरी जनरल थे, 20 साल में मैं देखता हूँ क्रिटिकल है कांग्रेस के लिए। उनकी राय आप देख लीजिए क्या कह रहे हो, वाई एस कुरेशी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो क्या कह रहे हैं, सबने कहा अभी ये लोकसभा का अध्यक्ष इसको प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इनको जब स्टे हो गया कल एक महीने के लिए तो इनको ये इंतजार करेंगे कि क्या हाईकोर्ट में ऑब्जेक्शन से क्या होता है, उसके बाद की बात थी। और ये तो इसको इंतजार ही कर रहे हो क्योंकि जिस प्रकार से मिस्टर क्लीन मिस्टर मोदी जो अपना आपको मिस्टर क्लीन कहते हैं उनको घेर लिया विपक्ष ने, जिस रूप में चारों अडानी जी को लेकर के पूरा देश उद्वलित है, उसको लेके आक्रोशित है, इतने बड़े घोटाले हो गए और आप हाउस में बहस तक अलाउ नहीं कर रहे हो, बहस अलाउ नहीं कर रहे हो, बहस के बाद में करना आपको ही है, सरकार में आप हो, जेपीसी नहीं बना रहे हो, बहस क्यों नहीं हो रही है हाउस के अंदर? आप सोच सकते हो इस प्रकार की हरकतें करेंगे लोग देश कहाँ जाएगा? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है, ये लोग तो ने खत्म इसीलिए है। राहुल गांधी ने क्या गलती की, क्या करके राहुल गांधी जो हिंदुस्तान में बोलते हैं वो हिंदुस्तान में लंदन बोले हैं, आजकल तो मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, इंटरनेट से, मेरी बात को लंदन सुन सकता अमेरिका में सुन सकता, अभी क्या नहीं बात करी उन्होंने, तो जिस प्रकार गलत फहमी पैदा की जा रही है, माफी मांगे माफी मांगे माफी मांगे, हाउस को आप चलने दे नहीं रहे हो, सत्ता पक्ष चलने दे रहा है, पहली बार देख रहे नाटक, हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, अगर देशवासी आम नागरिक नहीं समझेंगे सबको भुगतना पड़ सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। सर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि कहते हैं दुर्भाग्य से सांसद हैं और इस तरह की बातें कुछ नहीं है, बर्बाद करते हैं, इनमें कोई दम नहीं है, इनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई है। राहुल गांधी जी के आज जो फैसला किया है इन्होंने उसके बाद में इनकी मॉरल अथॉरिटी पूरी खत्म हो गई है, पार्लियामेंट को चैलेंज दे रहे हैं, उनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म होती जा रही थी, उनमें ठप्पा लग गया है। और कांग्रेस भी कोई आप समझ लीजिए राहुल गांधी घबराने वाला आदमी नहीं है, वो सच्चे के रास्ते पे चलता है और गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, उन्होंने कल कहा है वहां पे ट्रूथ के अंदर कि मैं सत्य को ईश्वर मानता हूं, तो घबराने वाला वो है नहीं, अरे वो गरीबों के लिए एससी एसटी ओबीसी सबके लिए वो मसीहा के रूप में है, उसको आज आप दिन में आपने बीजेपी के प्लेटफॉर्म से समित पात्रा ने भी मीर जाफर और उनके प्लेटफॉर्म उनके अध्यक्ष खुद मिस्टर यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं ये लेके आ गए साहब ओबीसी के, देखिए बेइज्जती कर रहे हैं, तो क्या मोदी जो दो मोदी बाहर भागे हुए हैं वो क्या मतलब ओबीसी के लोग हैं, वो किस प्रकार आप मोड़ दे रहे हो घटनाओं को, इस देश को गुमराह करने का ठेका ले रखा आप लोगों ने। बीजेपी ये भी कह रही है कि पहले भी संसद सदस्यों की सदस्यता गई है, जब स्थिति सजा हुई है तो इसको इनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, कानून से ऊपर थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कानून ऊपर नहीं है, पर एक महीने का जब स्टे कर दिया उन्होंने, आप थोड़ा इंतजार करते, वो राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक पार्टी देश की उसके अध्यक्ष रहे हुए हैं, क्या आप इंतजार नहीं कर सकते थे, इतनी जल्दबाजी क्या थी, आप कानून अपना काम करे। हाँ सुप्रीम कोर्ट भी अगर मान लो सुनवाई नहीं हो उसके बाद में तो आप करने का आप हक बनता है, पर जो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्यों बने, कोर्ट क्यों बने, अपील कोर्ट क्यों बने, इसलिए बने कि कोई भी नागरिक को अधिकार है, उसको जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसको पूरा अधिकार है उसको काम लेने का, आपने जल्दबाजी में फैसला कर लिया, पूरा देश देख रहा है इनको, पूरा देश देख रहा है। और मेरे समय तो महंगाई जो बाढ़ जोड़ा जाता ना क्या था, महंगाई थी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत होना चाहिए, वॉयलेंस नहीं होना चाहिए मुद्दा था, और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़नी चाहिए, चार मुद्दे तक तो तरफ तो आपका ना एनडीए गवर्नमेंट का ना इनके मंत्रियों का ना मोदी जी का ध्यान जा रहा है, ना अमित शाह का ध्यान जा रहा है, ध्यान जा रहा राहुल गांधी को किस प्रकार से हम हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी कैसे गिरे, बोलने दिया नहीं गया हाउस के अंदर, पहले हाउस से बाहर उनको आउट कर दिया, देश उनको माफ नहीं करेगा।